मैडम, जयनगर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के पार्षदों के का अभी शपथ ग्रहण हुआ, तो इस संबंध में दो शब्द आपसे सुनेंगे। जयनगर नगर पंचायत में जो नगर पालिका क्षेत्र का चुनाव हुआ था, उसमें नवनिर्वाचित पूरा 14 वार्ड के वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद तीनों को आज यहाँ पे शपथ ग्रहण कराया गया। शपथ ग्रहण शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और आज से इन लोगों का कार्यकाल प्रारंभ हो गया। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्य शुरू करेंगे आज से। धन्यवाद। थैंक यू सर। चेयरमैन साहब, शपथ ग्रहण आपका हो गया? एकदम हो गया। तो आज से आप अपना मतलब रूप में तो आ जाएंगे? एकदम आ जाएंगे। तो बताइए क्या प्राथमिकताएं होगी आपकी? सबसे पहले आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा शपथ ग्रहण करवाया गया है। पहले हम अनुमंडल पदाधिकारी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे मीडिया के लोग हैं हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे वार्ड पार्षद है, वार्ड सदस्यगण हैं, भाई चेयरमैन हैं और नगर पंचायत के कर्मी हैं, हम सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। चूँकि जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र 2022 में आम मतदाताओं के द्वारा जो चुनाव हुआ है, उसमें मुझे मुख्य पार्षद के रूप में पहली बार आम मतदाताओं का चुनाव हम चुनाव जीत कराए हैं, और मुझसे जयनगर की जनता बहुत आशा किए हुआ है। खास करके जो भी हमारे वार्ड सदस्य हैं, कुछ पहले से भी मेरे बोर्ड में था, अभी भी जीत कराए हैं, हम सभी वार्ड सदस्य को अपने साथ लेकर जयनगर शहर में जो भी विकास का जो हमने वादा किए हैं, कुछ हमारे वार्ड सदस्य भी वादा करके आए हैं, और जयनगर के जनता से हमने कहे थे काम क्या है, काम करेंगे और जो भी छोटा काम है उसको हम पूरा करेंगे, मेरा वादा था। हम इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जयनगर शहर को सुंदर बनाने में, स्वच्छ बनाने में हम ही सभी पार्षदों का साथ लेकर जयनगर शहर का जहाँ जितना से जितना सुंदर काम होगा हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देंगे सर आप? पहली प्राथमिकता तो जयनगर सौंदर्यीकरण, नगर पंच नगर निकाय का गठन ही सौंदर्यीकरण है। हम सबसे पहले नगर निकाय को सौंदर्यीकरण करेंगे और जो भी काम धीरे धीरे लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे आप? देखिए, अपेक्षाएं तो अनेक है जी, अंत नहीं होता है, लेकिन जयनगर में जो जरूरी चीज है वो हम उसको आप पूरा करेंगे। खास करके हमारे बोर्ड के जितने भी मेंबर आए हुए हैं, वो भाई चेयरमैन हैं, हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी है, जयनगर की आम जनता है, हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। और कार्यालय प्रवेश के बाद हम एक 31 सदस्य एक कमेटी का निर्माण करेंगे जयनगर की शहर को विकास करने के लिए। तो हम एक बार पुनः सभी वार्ड पार्षदों का, नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों का, वार्ड सदस्य, भाई चेयरमैन और सभी मीडिया कर्मी को, अनुमंडल पदाधिकारी को, प्रशासन के लोग को, हम सभी को बहुत बहुत 2023 का शुभकामना देते हैं। और आप लोग शपथ ग्रहण में हम लोग का जो माने रूबरू है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हनुमान जी, आप भी तो शपथ ग्रहण करवाए हैं अभी। हमारे चेयरमैन साहब बोल दिए, दो शब्द कुछ बोलेंगे आप? बस जो बोल दिए हम लोग इनके साथ में, इनके साथ आप जी। चेयरमैन साहब आप भी तो शपथ ग्रहण करवाए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? चेयरमैन जी के साथ है, इनके साथ आप भी तो, जो चेयरमैन साहब बोले वो हम लोग इनके साथ सपोर्ट करेंगे आप? एकदम तैयार। और अपने जो जनता जिसे आपने वोट दिया है पूरा करेंगे। थैंक यू सर। आप जब आपका शपथ ग्रहण हुआ जी, तो शपथ ग्रहण करवा के आप आ रही है, तो क्या क्या प्राथमिकताएं होगी आपकी, सो बताइए आप। अब तो विधिवत अब प्राथमिकताएं सबसे पहले तो है समस्या यहाँ का
मैंने अभी कहा भी है वहाँ पे सबसे पानी जो या निकासी की समस्या है सबसे प्रथम मुद्दा है मेरा जी। ठीक है, मेरे मन में है अभी तक इसका निराकरण ड्यूटीकरण तभी जयनगर का होगा जब तक ये नाली और पानी का समस्या हल नहीं होगा। हर लोग चाहता है कि ये जयनगर को बहुत अच्छा बनाए, बहुत अच्छा, ऐसे ही बहुत हर जगह ये सबसे मेन अच्छा सिटी में माना जाता है, लेकिन जब यहाँ पे घुसेंगे तो आपको बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले ब्यूटीकरण के लिए हमको सबसे पहले जल निकासी की समस्या को पहला समाधान वो करना पड़ेगा। फिर ये जितना भी बहुत सारी बातें हैं मतलब सौंदर्यीकरण के लिए जो आधारभूत है उसको आप फोकस करेंगे, आप फोकस करेंगे और जनता की समस्या हम तो पहले भी कहे हैं उनकी समस्या जो होगा मैं उन लोगों के बीच में जाऊंगी और जो वो बोलेंगे वही समस्या उनकी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे आप। हर सक पूरी के पूरी नाम बताइए अगर उनको मैं माला देवी और अगर उनका कोई भी लगे कि कोई महिलाएं हैं जितनी भी महिलाएं हैं तो मैं उनसे आशा करूंगी कि कुछ भी हो तो हमारे पास बेझिझक होकर ऑफिस में पहुंचे वहाँ और मैं उनके बीच भी जाऊंगी उनकी समस्या को। थैंक यू मैडम। मेरी माँ थी और अभी वो नहीं है प्रेजेंट में लेकिन शायद वो जहाँ भी हो बहुत खुश होगी, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। उन्हीं का ये सब थैंक यू मैडम। मैडम आपका हम नाम जानेंगे, राधा अभी तो अभी शपथ ग्रहण करवाई हैं तो क्या प्राथमिकताएं होगी अब आपको अपने वार्ड के लिए सो बताइए। रोड नाला और क्या आवास दे रहे हैं, रोड बनाए हैं, नाला बनाए हैं जो बचा हुआ है उसको करेंगे आप। किस वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 9 से। तो अभी तो आपका शपथ ग्रहण हुआ, आप तो आज से विधिवत वार्ड पार्षद हो गई, तो क्या करेंगे आप अपनी जनताओं के लिए बताइए। जो चेयरमैन साहब करेंगे उनके साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे, उनके विचार के अनुसार चलेंगे। आप भी अपना नाम बता दीजिए। मंजुला देवी 6 नंबर वार्ड। 6 नंबर वार्ड से। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपका तो शपथ ग्रहण हो गया, विधिवत आप पार्षद हो गई, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जनता जो कहेंगे वही काम करेंगे, जनता के अनुकूल काम करेंगे। 10 नंबर वार्ड से भी देख लीजिएगा। आप 11 से हैं, नाम बता दीजिए। मंगली देवी। आपका भी शपथ ग्रहण हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? किए हैं जो काम बचा हुआ है, नाला बनाए, रोड बनाए, घर बनाए। पहले भी आप पार्षद थी? 3 बार हुई। 3 बार हुए हैं। हाँ। तो जो बचा काम है उसको पूरा करेंगे। जो बचा हुआ है सो करेंगे। थैंक यू। कर दिया है। मैडम आप नाम बता दीजिए। जरीना खातून। 10 नंबर वार्ड से पहली बार जीती है आप वार्ड पार्षद में। क्या क्या आपका कहना है? मतलब हमारे गांव में नाला नहीं है, रोड नहीं है, राशन का कोई व्यवस्था नहीं है, औरत सब जाती है, लेडीज सब कमला रोड आती है लेने के लिए, डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है, मेडिकल का। अपने वोटर के समस्याओं को ख्याल करेगी आप? हाँ। आपके अथक प्रयास से माला देवी पार्षद मुख्य उप मुख्य पार्षद बनी है, शपथ ग्रहण भी उसका हो गया, तो 2 शब्द आप ये सुनेंगे कि आप उनके साथ किस तरह से रूबरू होंगे और उनकी मदद करेंगे आप। मैं अरविंद तिवारी। दरअसल यह महिला सीट होने के कारण हाउस के अंदर तो श्रीमती जी रहेंगे लेकिन बाहर में जनता के दुख दर्द, विकास और जयनगर नगर पंचायत के मतदाता के अनुकूल काम करेंगे, नगर पंचायत चले इसके लिए मेरा क्रांतिकारी आवाज बुलंद करते रहे। मारन है ठीक ना। पूरा होलिये चल रहा है। लगाइए फिर से लगाइए इनको, इनको श्रेय जाता है आपको जिताने का, इसलिए इसको फिर से लगाइए। चुनाव के समय में आपने अपने जो भी समस्या मूलक Thank you.
अनिल अनिल पहुंच जाते हो मार्क्स निकाल भी तो ना पहुंचा।